अपन शुरू करते हैं। अपन देखेंगे घटनासार का जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर आता है जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक का, ठीक है। उसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया, तो ये किया गया लद्दाख को। नेक्स्ट देखते हैं जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई, तो ये शुरू की गई है झारखंड में, झारखंड के जमताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में, ठीक है। आपसे जिला भी पूछ सकता है, तो जमताड़ा जिला। अगला पॉइंट देखते हैं 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, ठीक है, परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये नई दिल्ली में की गई। अगला देखते हैं भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों ने प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अगला पॉइंट देखते हैं 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर या सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया, तो कोझिकोड है, जो कि केरल में स्थित है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की, तो वह है झारखंड। अगला पॉइंट देखते हैं वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई, तो यह मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ, ठीक है, क्या कब प्रारंभ हुआ, तो यह 24 जून 2024 को। अगला पॉइंट है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना, तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, T3 बना है, T3 बोलते हैं टर्मिनल 3। ओडिशा के कटक में बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, तो भर्तृहरि महताब। इसमें ये पॉइंट भी पूछ सकता है कि जो भर्तृहरि महताब है वो कहाँ से बीजेपी के सांसद बने हैं, तो ओडिशा से, ठीक है, तो उन्हें याद रखना है। अगला पॉइंट वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है, तो श्रीनगर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया, तो यह श्रीनगर। अगला पॉइंट देखते हैं 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया, तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। अगला पॉइंट देखते हैं हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन या इस्तोफिश SSPP का उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो 176। देख रहे हैं आप जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों की पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2024 में जो कि जारी किया गया, भारत को 176वीं रैंक दी गई। अगला पॉइंट देखते हैं अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपये का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना कर्नाटक। अगला पॉइंट देखते हैं देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहा पर 60,000 करोड़ रुपये की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है, तो श्योर मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट देखते हैं 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो 63। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये कोझिकोड केरल, कोझिकोड अभी अपन ने और देखा था, तो याद रखिएगा पहला साहित्यिक शहर, ठीक है, यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया है। अगला पॉइंट जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, तो राजगीर बिहार में। अगला पॉइंट 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, श्रीनगर में किया गया। अगला पॉइंट जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है, तो हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। अगला पॉइंट
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी के अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से दो ऐप जारी किए हैं, तो दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप। ये किस लिए है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है भारत सरकार ने, और मौसम संबंधी जानकारी के अद्यतन रहने के हाल में ही, ठीक है, दामिनी और मेघदूत नाम से ऐप जारी किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है, तो यूनेस्को प्रिक्स वेंसेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। अगला पॉइंट, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स सम्मान प्रति वर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जून 2024 में भारतीय रेल द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, और ये कहाँ किया गया, तो चिनाब ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में। अगला पॉइंट, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी, तो पीवी संधु। अगला पॉइंट, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई, ये अरुणाचल प्रदेश में हुई। अगला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया, तो ये झारखंड, ये उत्तराखंड ने, सॉरी। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया, तो उत्तराखंड। अगला पॉइंट, नई दिल्ली स्थित सेना का वो अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, वह रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। अगला पॉइंट, जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया, तो मध्य प्रदेश ने किया। अगला पॉइंट, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की, तो असम ने की। अगला पॉइंट देखते हैं, जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर रख दिया गया है ज्योतिर्मठ। अगला पॉइंट है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत की किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है, तो आईआईटी मद्रास। ओके, अगला पॉइंट, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी, तो अनामिका राजीव बनी। अगला पॉइंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो 129वें। देखिए पीडीएफ थोड़ा ब्लर है उसके लिए, सॉरी यार, पता नहीं अपने आप ही हो गया। तो जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड। अगला पॉइंट है, N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन कर रहा है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन कर रहा है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण इन स्पेस से मंजूरी मिली, रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म। अगला पॉइंट देखिए, जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है, तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। अगला पॉइंट, जून 2024 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियार पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है, 172। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अनुसूचित किया है, तो नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य को। अगला पॉइंट, 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया, अमरावती को, कब, 12 जून 2024 से डेट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है, तो सिक्किम ने। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बोला है कि राज्य और केंद्र राज्य ऐसी पॉलिसी बनाएं कि महिलाओं को मासिक धर्म के समय पर छुट्टी दी जाए, ठीक है, उन्हें लीव दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आह्वान किया है। अगला पॉइंट देखिए, 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया, तो चंगांगू पूर्वी सिक्किम में। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ लिया, तो 7 महिला मंत्रियों ने। अगला पॉइंट, नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के पद का इस्तीफा लिया, तो मोहन मांझी ने, सॉरी, मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, तो मोहन मांझी ने उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के नए सीएम कौन है, मोहन मांझी। अगला पॉइंट देखते हैं, मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालय में किस शीर्ष स्थान मिला, तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। अगला पॉइंट देखते हैं, अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई 10वीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया, तो भीष्म, बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का पहला महाकाव्य जिनकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है, रामचरितमानस की पांडुलिपि को। अगला पॉइंट देखते हैं, 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी
और कैटेगरी में 30 वर्ष के बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट, पायल कपाड़िया, ठीक है डायरेक्टर। और अगला पॉइंट देखते हुआ भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, तो टीसीएस ने। अगला पॉइंट 11 मई 2024 को किस पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया इदाशिशा नोंगरांग को। अगला पॉइंट वर्ष 2024 के लिए डेट लाइन पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी दीपिका पादुकोण। अगला पॉइंट देखते हैं विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 39वीं। अगला पॉइंट देखते हैं केरल स्थित वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में सून अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना? तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट बना। अगला पॉइंट देखते हैं मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी, तो ज्योति रात्रे ने। अगला पॉइंट देखते हैं दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 की अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? तो कृषि और भूमि। अगला पॉइंट देखते हैं 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रमल का यह नाम किस देश द्वारा किया गया? तो ओमान। अगला पॉइंट देखते हैं अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 GI टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य बना? तो उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहां पर किया गया? तो किया गया हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में। अगला पॉइंट देखते हैं इसरो अध्यक्ष एम सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? 2030 तक। नेक्स्ट पॉइंट है 21 मई 2024 के यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों में 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद के ग्लोबल स्प्रिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया? तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट ने। अगला पॉइंट है जून 2024 में क्वाक्वे रैली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत के विद्यार्थी के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया? तो नई दिल्ली। अगला पॉइंट भारत का वह अग्रमणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो टाटा AIG, ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने का मान्यता दी? तो शेला सुरंग जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर है हिमाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट है DRDO द्वारा ओडिशा तट पर 29 मई 2024 को वायुसेना के Sukhoi-30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो Rudram-2 का। अगला पॉइंट है वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में दो बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोथसे पर चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही बने, तो सत्यदीप गुप्ता। अगला पॉइंट है कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टाइग्रेड भालू जल भालू की समुद्री टाइग्रेड क्या है? जल भालू है कि नई प्रजाति का नाम चंद्रयान-3 अभियान की स्मृति में रखा गया है बटलिप्स चंद्रयाणी, ठीक है चंद्रयाणी। IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001:2023 प्रमाणन प्रदान किया गया? तो ये AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अगला पॉइंट है हाल ही में शोधकर्ता की एक टीम ने पश्चिमी घाट के 140 वर्षों के बाद किस नाम से दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो उनियाला मल्टी ब्रक्टिटा। अगला पॉइंट है भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से SpaceX रॉकेट Falcon 9 से किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर एक वर्ष तक का प्रतिबंध लगा दिया? तो तेलंगाना ने। अगला पॉइंट देखते हैं मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए गए भारत की तीन ऐतिहासिक पांडुलिपियां जो कि रामचरित मानस है, पंचतंत्र है और हृदय लोक लोचन। अगला पॉइंट देखते हैं IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3D 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? तो अग्निबार से किया। अगला पॉइंट देखते हैं हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना? केरल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अप्रैल 2024 में किस IIT को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? तो
IIT पटना। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की, तो असम के कामरूप के मारपीटा में। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया था, विप्रो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया, तो IIT बॉम्बे। अगला पॉइंट देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की, तो अदिति। अगला पॉइंट, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की, तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान। अगला पॉइंट देखते हैं, ये याद रखिएगा कब की है, तो पर्यावरण दिवस के दिन, ठीक है, 5 जून 2024 को। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची, तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया, नई दिल्ली में। मई 2024 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी की गई नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का रैंक प्रदान की गई 159वीं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय सेना के 3 अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया, तो परिवर्तन चिंतन। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया, तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में। अगला पॉइंट देखते हैं, महाराष्ट्र के सांगली जिले में छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्ययंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, तो सितार, ठीक है, उसे तानपुरा भी बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू करने दिया, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA। अगला पॉइंट देखते हैं, वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चला गया, तो हैती। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया, तो धोलेरा गुजरात। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर के नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखने का निर्णय लिया, तो अहमदनगर को अहिल्यानगर। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को यह फैसला लिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाजों को शामिल किया गया, तो INS अग्रम और INS अच्छे। अगला पॉइंट देखते हैं, 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कोलकाता में किया। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई, तो 126वीं रैंक प्रदान की गई। अगला देखते हैं, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश का लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये AM खान विलकर जी को। अगला पॉइंट देखते हैं, मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है, 13,874। अगला पॉइंट देखते हैं, 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया, तो शिक्षा मंत्रालय। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान किस चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू किया था। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत की, तो थूथुकुडी तमिलनाडु। अगला पॉइंट देखते हैं, मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की, तो नई दिल्ली को। अगला पॉइंट, 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रासीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। अगला पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंक प्रदान की गई 41वीं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया, तो INSAT-3DS। अगला पॉइंट देखते हैं, 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो गुवाहाटी असम में। अगला पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाले देश की पहली मेट्रो सेवा बनी चेन्नई मेट्रो। अगला पॉइंट देखते हैं, वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, तो राधा रतूड़ी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना, तो उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट देखते हैं, 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना, तो सिक्किम बना है। अगला पॉइंट देखते हैं, मसालों और पाक कला में संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया, तो कोची केरल में किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, 13 फरवरी 2024 को असम
सरकार ने किस फल को राजफल के रूप में घोषित किया है? तो काजी नेमू या खट्टा नींबू। अगला पॉइंट देते हैं, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM जिसे भारतीय GPT कहा जा रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कुरुवेर प्राइवेट लिमिटेड। अगला पॉइंट देखते हैं, उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार शूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया है? तो स्वाति महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया? तो राजाजी टाइगर रिजर्व में हॉग हिरण देखा गया। अगला पॉइंट देखते हैं, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय था रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को UAE के अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, इस मंदिर का नाम क्या है? तो बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर बाप्स। अगला पॉइंट, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ किया गया? तो कच्छ गुजरात में किया गया। अगला पॉइंट, फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय। अगला पॉइंट देखिए, जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? तो सर्वत्र। अगला पॉइंट देखते हैं, 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच अलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो छत्रपति संभाजी महाराष्ट्र, ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई 93, ठीक है, 93 रैंक दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया? तो भारतीय संचार संस्थान को। 6 जनवरी 2024 को समावेशता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रबल उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो एक्सपोसेट उपग्रह को। अगला पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना के किन युद्ध पोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवामुक्त किया गया? तो INS सीता और गुलजार और कुंभीर। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर को मुंबई के राष्ट्र को समर्पित किया? तो अटल सेतु। अगला पॉइंट देखते हैं, 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अटारी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया? तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर। अगला पॉइंट देखते हैं, 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो पंजाब। अगला पॉइंट देखते हैं, 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो बीकानेर में किया गया। अगला पॉइंट देखिए, 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के किताब से सम्मानित किया गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया बैगम पेंट हवाई अड्डा हैदराबाद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मो जूज का आयोजन किया गया? असम में। अगला पॉइंट, 2024 में अमेरिका ट्रेवल्स पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन दो शहरों को शामिल किया गया? तो जैसलमेर दूसरा स्थान है, उदयपुर नौवां स्थान है। पक्के पाका हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है, कि 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? तो डिब्रूगढ़ असम में, उत्तर पूर्व की बात कर रहा है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों या क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक प्रदान की गई? तो 93। अभी आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भारत की रैंक प्रदान की 93, और वही चीज़ यहाँ बताई गई है। 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी का घोषणा की है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है, उड़ीसा में। तो दोस्तों, ये अपन ने देखा था कि
पूरा राष्ट्रीय, घटनासार का राष्ट्रीय, आप देखेंगे अपन नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, थैंक यू।